अलीगढ़ में सराफा कारोबारी की पत्नी व बेटा की हत्या व लूट से ज्वेलर्स में रोष है। हत्या के विरोध में सराफा कमेटी ने आज बाजार बंद रखा। इस दौरान बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस ने मामले में अंजलि व सुमेश को हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इधर माँ बेटे के शव का पोस्टमार्टम रात में ही हो गया। दोनों के शव को छड़ा स्थित गाँव भिसौली ले जाया गया, जहाँ अंतिम संस्कार हो गया है। अलीगढ़ सराफा कमेटी के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने कहा कि एक ओर योगी सरकार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, वहीं दूसरी ओर घनी आबादी में हत्याएं हो रही है। इस घटना से व्यापारियों में भारी रोष है। वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित सराफ ने इस घटना पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने जिस तरह बर्बरता पूर्वक माँ बेटी की हत्या की है, उससे लगता है कि बदमाश शहर में सिर्फ लूट ही नहीं खौफ पैदा करना चाहते हैं, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। मैं अमित सराफ, अध्यक्ष इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड, जॉइंट सेक्रेटरी सराफा कमेटी। जिस तरीके से जघन्य अपराध सराफा व्यवसायी की पत्नी और बच्चे के साथ किया है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्मनाक बात है। और इससे बुरा क्या हो सकता है कि मात्र 36 साल की महिला और उसका 8 साल का बच्चा, उसको बेरहमी से जो कत्ल कराए सराफा व्यवसायी। सभी लोग बहुत क्षुब्ध हैं और बहुत रोष में हैं। और आज सराफा भैया 12 बजे तक हम लोगों ने सांकेतिक हड़ताल रखी है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाजार भी हम बंद रख सकते हैं। हमारी कार्यकारिणी जो कमेटी है उसमें रखा जाएगा। और आज पूरे बाजार में एक रोष है। हमारा प्रशासन से सिर्फ ये कहना है कि इन हत्यारों को जल्दी से जल्दी आप पकड़ें और इन्हें वो सजा दें जो एक मील का पत्थर साबित हो। जिस तरीके से ये शहर में अपराध की एक शुरुआत हो रही है, ये जघन्य अपराध जो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था, उनको एक सबक मिले। पूरा सराफा व्यवसाय उस व्यवसायी के साथ है और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर हम सब लोग तैयार खड़े हुए। सर, थाना क्वारसी से दो लोगों को हिरासत में लेने की सूचना है, क्या आप नया अपडेट है? ये कल की जो घटना थी, जिसमें जो मृतका हैं इनके पति श्री ललित वर्मा द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी ही पत्नी की जो सिस्टर है अंजलि वर्मा, उसके विरुद्ध एवं उसके जो होने वाले पति जिसको बताया गया है सोमेश चौधरी, इन दोनों के विरुद्ध अंतर्गत 302 IPC तहरीर दी गई थी, जो कि दर्ज की गई है, थाने पर FIR दर्ज हुई है। इस संबंध में यह भी बता दें कि टीमें गठित की गई थी, टीमों द्वारा तत्परता से अपना कार्य करते हुए साक्ष्य संकलन का कार्य लगातार जारी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसमें यह भी अपडेट दे दें कि उपरोक्त मृतका की बहन को और उसके जो ये व्यक्ति अन्य व्यक्ति है सोमेश चौधरी, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और एक टीम द्वारा पूरा साइंटिफिक तरीके से इंटरोगेशन किया जा रहा है। जो टीमें हैं उनको पूरा विधिवत इंटरोगेशन टेक्निक्स को अमल में लाते हुए और घटना की एकदम सटीक जानकारी लेने के लिए, मोटिव का ज्ञात करने के लिए लगा दिया गया है। जो भी इंटरोगेशन का परिणाम आता है उससे अवगत कराया जाएगा।